मजा आ रहा है भाई इसको चलाने में। भाई गंदी वाली ब्लैक आई थी, एक बार दो बार तो ना ऐसे फिसली है। दूसरा तीसरा और पांचवे गियर में भाई स्टॉलिंग का इशू आ रहा है बाइक में। भाई का कहना है कि फिल्टर चेंज करवाने के बाद जेट बन गई है। अगर आपको टूरिंग के पर्पस से दोनों बाइकों में से कोई चूज करनी है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा भाई साहब चला जा रहा है आपसे। बोला अभी नहीं जा रहा है। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम। और भाइयों एक बार फिर एक और नई ट्रिप स्टार्ट हो गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग वाली। और इस ट्रिप में अब हम दो नहीं चार बंदे जा रहे हैं। चार कौन कौन जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो है सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। बोल दो 5 बजे का निकलने का टाइम था लेकिन कोई उठा ही नहीं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से 6:30 बजे। सारा जो पैक सामान जो है मेरा पैक है पूरा, वो जाके नीचे बाइक पे लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी हम आ गए हैं बाइक पे और अभी जो है अपनी बाइक चली है भाई 2185 और यहाँ से हम कर लेते हैं अपनी ट्रिप वन को रीसेट। ये होगी अपनी रीसेट ट्रिप। तो भाई जय श्री राम का नाम लेके चलते हैं अब अपने घर से। घर से जो है ना हम निकल आए हैं, तो आज जो ट्रिप पे जा रहे हैं एक है मनीष एज़ यू नो, जो लास्ट ट्रिप में अपने साथ गया था भाई, और उसके साथ साथ चावला जी हैं और एक और दोस्त है अपना राजेश। कल जो है आज की ट्रिप पे चार बंदे हैं भाई। हमने जो प्लान किया है मिलने का वो किया है जहाँ पे कैंपी ख़त्म होता है। और इस वाली ट्रिप पे हम देखते हैं भाई एग्जैक्टली कितना अपनी बाइक जो है एवरेज देती है। लास्ट वाली जो ट्रिप थी उस पे दिया था इसने 28-29 के आसपास, और वो व्लॉग आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। एंड टैंक फुल करा लेते हैं भाई। ट्रिप वन के 1.8 किलोमीटर पे हमने पूरा टैंक फुल करवा लिया है, 2187 किलोमीटर हुए थे। अब देखते हैं भाई कितना एवरेज देती है। तो ये आ गए भाई हम टोल बूथ पे, अब यहाँ से चढ़ जाएंगे केएमपी पे। चीफ हो गए यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है देखो रोड पे नहीं लग रहा, यहाँ पे अगर साइड में देखोगे ना ऐसा लग रहा है भाई क्लाउड्स में चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर रोड बना हुआ है। क्या गजब व्यू आ रहा है कसम से। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, घर से चला था ना जब तो उस टाइम में भी ऐसा लग रहा था कि यार अब तो गर्मी होगी अब क्या ठंड रहेगी, तो मैंने ज़्यादा अंदर कुछ पहना नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना अब लग रहा है यार कि गलती कर दी मैंने, कुछ ना कुछ पहन लेना चाहिए था। अभी मैंने जो है ना जैकेट इसीलिए ऊपर रखी हुई है हाफ वाली, आगे चलेंगे रुकेंगे तो उनका वेट करेंगे ना, तब तक हम अपनी जैकेट वैकेट पहन लेंगे। और यहाँ दिखा दूँ भाई सूर्य देवता जो है प्रकट हो गया और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार। अभी पहुँचते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर हम एक साथ मिलने वाले हैं कुंडली बॉर्डर पर और फिर वहाँ से अपनी जो है राइड कंटिन्यू होगी। अपने दोनों भाई आ गए हैं, एक और का वेट है। तो आज जो अपनी बाइक रहने वाली ना वो रहेंगी भाई एक स्क्रैम्बलर 400, ये देख लो ये चल रही है। एक ये अपने वाली हिमालयन है और एक और हिमालयन है, तो दो फुली लोडेड हिमालयन हमारे साथ हैं और एक स्क्रैम्बलर है। दोनों सही लग रही है, कैब नहीं रखी। शिमला में रोकते हैं। अच्छा सिर्फ पूरे हिमाचल में शिमला में ही दिक्कत है। अच्छा मैंने तो नहीं रखे, चलो छोड़ो देखी जाएगी। तो अभी भाई राजेश भाई और आ रहा है और उसका भी वेट करते हैं, आने देते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। भाई अपनी चौथी वाली बाइक भी आ गई है, राजेश भाई है CBR पे, अपनी दोनों हिमालयन है और मनीष जो है वो है स्क्रैम्बलर पे, और अभी यहाँ से चलते हैं भाई, पकड़ देंगे हम। चलो कोई ना, तू ये चला लिए, तू ये चला लिए ऑफ रोडिंग में। चलो घर से चले थे तो वही 7 डिग्री था, धीरे धीरे जो है ना टेम्परेचर अब बढ़ता जा रहा है। एंड और इनका वेट कर करके ना भाई मुझे लग गया भूख, और आगे चल के किसी बढ़िया से ढाबे पे रुकेंगे और वहाँ पे अपना करेंगे ब्रेकफास्ट। तो दोनों तरफ सैडल बैग लगाने के बाद बढ़िया लगती है, पूरी बल्कि सी लुक आ रही है बाइक की, आप बताओ देख के। और पीछे से देखने पर ऐसा ना पूरी BMW टाइप सी लग रही है भाई। भैया ये अपनी होने वाली है 4-5 दिन की ट्रिप और मजा आ जाएगा इस ट्रिप में।
सो भाई वंस अगेन एक बार फिर से झिलमिल ढाबे पे हम आ गए दोबारा से वही दो लोग सारे भैया ने राम राम कॉपीराइट हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा टाइम होगा विद इन 15 डेज है ना, ऐसा हो गया कि जब निकलते हैं ना NH1 पे और इसका सिर्फ एक ही कारण है हिमालय बस। पहले हम दोनों आए थे और आज राजेश भाई भी है और चावला जी भी है। चावला जी आए तो कर दो ऑडियंस को। और भाई बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी है, पराठा आ गया है। और ये भाई पता क्या कर रहा है, आधा 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 इधर आधा उधर, पूरा नहीं मंगाया भाई साहब ने। आए आ गई भाई मस्त ला देंगे, स्वाद आ रहे पर स्वाद आ रहे पराठे में भी, ट्रिप में तो आ ही रहे भाई। तो भाई अभी तक मैं चला के आ रहा था अपनी हिमालयन और मनीष आज अपनी बाइक लेके आया है स्क्रैम्बलर। तो एक अब हमने सोचा है कि हम इंटरचेंज कर लेंगे, क्यों मनीष? यस। अभी क्या है कि साथ साथ चला के देखेंगे ना तो पता भी लग जाएगा कि कौन सी क्या है, क्या हाँ क्या फीलिंग आती है, कैसा आउटपुट आ रहा है बाइक से, वो सारी चीजें पता लग जाएंगी इनसे। फिल्टर चेंज करवाया भाई ने तो उसका भी एक बार देख लेते हैं। भाई का कहना है कि फिल्टर चेंज करवाने के बाद जेट बन गई है, तो मेरे को जेट वाली फीलिंग लेनी है कि जेट सही में बन गई या नहीं बन गई है। भाई मनीष जेट बन गई है, बिल्कुल बन गई है। तो भाई अपना जो है नाश्ता वास्ता हो गया, 10 मिनट के लिए रुके थे लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हमने मेरे ख्याल से आधे घंटे में तो बातों बातों में निकाल दिया। तो ये होता है चक्कर कि जब आप चार लोग या पाँच लोग ट्रैवल कर रहे होते ना तो बातों में ज़्यादा टाइम जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रैवलिंग। तो अभी ज़्यादा और टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं भाई यहाँ से। मैं चला रहा हूँ स्क्रैम्बलर और इसका देते हैं फीडबैक कैसा आता है कि इसमें क्या डिफरेंस लगा मुझे, उसमें क्या डिफरेंस लगा, और लॉन्ग टूरिंग के लिए कौन सी ज़्यादा बेहतर बाइक है। तो 1-to-1 आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी मिल जाएगा। इसका एग्जॉस्ट बड़ा साउंड सही है यार, एग्जॉस्ट की एग्जॉस्ट अच्छा है इसका है ना। इसमें इंजन से आवाज़ आती है, इसमें एग्जॉस्ट से आवाज़ आती है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। भाई पिकअप तो है बाइक में, इसमें भी जो सबसे पहला नोटिसेबल डिफरेंस मुझे लगा यार वो तो एक तो सीट हाइट का है। इसके जो सीट हाइट है वो हिमालयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा मेरे को लगा जो इसके जो गियरिंग शिफ्टिंग वाला जो पैडल है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, यानी कि छोटा है साइज में। और भाई तीसरा अब ये पता लग गया ब्रेकिंग वाला, ब्रेकिंग में जब हिमालयन की इससे बेटर लग रही है मुझे। फ्रंट ब्रेक इसके मुझे कम लग रहे हैं, रेयर में ठीक ठाक है लेकिन हिमालयन के इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा इसको खींच के देखते हैं वाइब्रेशन है कि नहीं है। इसमें भी वाइब्रेशंस मेरे को फील हो रही हैं सिमिलर टू जो हिमालयन में है। वाइब्रेशन इसके भी हैंडल बैक हैंडल पे आ रही हैं, टैंक पे भी आ रही है, मुझे फील हो रही हैं। और मोर लेस दोनों में वाइब्रेशंस यार सेम है। बाकी बात करूँ रेव की तो इनिशियल जो पिकअप है इसका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एज कम्पेयर टू हिमालयन। थोड़ा सा भी उसको और चलाएंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। वाइब्रेशंस हैं भाई इसमें देखो, ये देखो भाई पिकअप तो बहुत सही है यार इस बाइक का, लेकिन एक सर्टेन स्पीड तक है वो, उसके बाद हिमालयन ज़्यादा जाती है। अभी हमने बीच में थोड़ा सा ना ड्रैग भी किया था दोनों बाइकों को, तो हिमालयन ने 150 अबो इजिली क्रूज़ कर दिया था लेकिन ये 140 के आसपास जो है ना इसका पूरा दमखम ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। सीटिंग पोस्चर वो मुझे हिमालयन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लगा, क्यों? क्योंकि जो इसकी सीटिंग हाइट है वो थोड़ा सा ऊँचा है, जिसकी वजह से जो आपका प्रॉपर एक जो राइडिंग ट्रायंगल बनता है ना थोड़ा सा स्ट्रेट पैर रहते हैं, बट जो आपकी हिमालयन है उसके अंदर आपके पैर थोड़े से बैंड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्रैम्बलर। तो ये मैं बिल्कुल मतलब 1-on-1 आपको एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ अभी इस लॉन्ग टूर पे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस मुझे एज ऑन टुडे फील हो रहा है। स्ट्रीट स्पोर्ट जो मुझे इसका लगा ना 100-110 बढ़िया है और कंफर्टेबल है। और सस्पेंशन भी यार मुझे थोड़ा हिमालयन का ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू स्क्रैम्बलर। इसका थोड़ा सा कहेंगे मतलब मोर लेस सेम ही है बट थोड़ा सा स्टिफ है एज कम्पेयर टू हिमालयन, बट आ रहा है यार मज़ा आ रहा है इसको भी चलाने में। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो दोनों ही मतलब इक्विवेलेंट ही गुड हैं बाइक, बट अगर मुझे चूज़ करना होगा
तो डेफिनेटली मैं टूरिंग के लिए तो हिमालयन को ही चूज करूंगा, हेवी टूरिंग करनी है या ऑफ रोडिंग करना है। बट इसको हाँ, अगर मेरे को वीकेंड्स के लिए जाना है, थोड़ा सा स्क्रैम्बल करना है, थोड़ा हल्का फुल्का ऑफ रोड करना है और 2-3 घंटे की मुझे मेरी ट्रैवलिंग है, तो मुझे ये भी ज़्यादा पसंद है। और जैसे अभी ट्रैफिक है ना, इसमें थोड़ा सा इसको निम्बल है, ये इसको मैन्यूर करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। आराम से आप इसको कट करके ऐसे निकाल सकते हो। और सीट कंफर्ट की बात करूँ तो उसका ज़्यादा मुझे सही लगा सीट कंफर्ट, क्योंकि थोड़ी सी जो है सीट उसकी वाइड है, इसकी नैरो है, तो वो एक पॉइंट है। तो भाई जो जो चीज़ें मुझे फील होती जा रही है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स की। अभी थोड़ा सा एक टक्कर दे के देखते हैं मनीष को कि भाई कितना भागती है। 140 इजीली गई भाई, 140। ओ, ब्रेक में थोड़ा सा लग रहा है भाई, ब्रेक इतने बढ़िया नहीं लगे मुझे इसके, ब्रेक हिमालयन के भी नहीं लगते मुझे, लेकिन इसके हिमालयन से भी यार नीचे ही है। अगर हिमालयन के मैं 9 रेट करूँगा तो इसके मैं 6 रेट करूँगा ब्रेक्स। ये लीवर है ना, वो हिमालयन के कंपैरिजन में छोटे भी हैं और पतले भी हैं, तो आपको मतलब हैंडी लगते हैं ज़्यादा। ने भाई हैंडल बार की बात कर ली, टैंक वाइब्रेशन वगैरह की बात कर ली, और इसके सीटिंग पोस्चर की बात कर ली, गियर एंड ब्रेक्स की बात कर ली, और क्या, और राइड क्वालिटी दोनों में इक्वली है यार, सस्पेंशन की जो मैंने बात करी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक है ना इक्वली गुड हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लोगे तो निराश नहीं होगे, आई थिंक मेरा ये ओपिनियन है। बस आपको जो है चूज़ करते वक्त ये डिसाइड करना है कि भई आपको एक प्रॉपर एडवेंचर लुकिंग बाइक ज़्यादा पसंद आती है या स्क्रैम्बलर टाइप की जो बाइक है वो पसंद आती है लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो राइड क्वालिटी है उसकी बात करूँ तो मैं मोर लेस कहीं ये ज़्यादा अच्छी है, कहीं वो ज़्यादा अच्छी है, तो दोनों ही इक्वली गुड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इक्वली गुड है भाई। तो अभी हम पहुँच गए भाई कुरुक्षेत्रा। सही लग रही है, हाँ बढ़िया, मज़ा आ रहा है, इनिशियल पिकअप अच्छा है इसका, उठने में बढ़िया है। चल, साउंड है वो पूरी बेसी आती है, स्पोर्ट्स बाइक जैसी आती है, उसमें आपको फील ऐसा होता है कि इंजन से जो है ना, इंजन से निकल रही है, इंजन से आवाज़ आ रही है, एग्जॉस्ट से आवाज़ ही नहीं आ रही, ऐसा फील होता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स जो अभी हमने इन दोनों बाइकों में नोटिस किए। टूरिंग के पर्पज़ से दोनों बाइकों में से कोई चूज़ करनी है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा हिमालयन ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो उसका जो टैंक कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, सस्पेंशन अच्छा है, सीटिंग बैठने के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो टूरिंग अगर आपको करनी है तो आप जाइए हिमालयन पे, और अगर आपको ज़्यादा टूरिंग नहीं करनी, वीकेंड राइड करनी है या थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना है तो आप लीजिए स्क्रैम्बलर, के बहुत ज़्यादा टूरिंग करने वाले बंदों के लिए तो हिमालयन डेफिनेटली बहुत अच्छी है। लेकिन जिसको साल में 3-4 ट्रिप करनी है उसके लिए भाई ये मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसको सिटी में मैन्योर करना ज़्यादा बेटर लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको शॉर्ट राइड करनी है, सिटी राइड करनी है, वीकेंड राइड करनी है तो स्क्रैम्बलर, अदरवाइज़ आपको हाईवे टूरिंग करनी है, लंबी टूरिंग करनी है, ऑफ रोड करना है तो हिमालयन। तो ये था इन दोनों का फाइनल वर्डिक्ट। तो गाइस वी आर बैक टू और हिमालयन वंस अगेन, और भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आती है तो वॉइस जो है ना वो ब्रेक होने लग जाती है, और बड़ी अजीब सी अनोइंग सी आवाज़ आने लग जाती है, तो अगर वो आ रही है तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं और ट्रैफिक पूरा पीक पे है जाने वाला, तो दिन का टाइम है तो ट्रैफिक यार डेफिनेटली बढ़ गया है, कोई नहीं
अपने को ज़्यादा कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से मौज मस्ती करते हुए चलेंगे, स्वाद लेते हुए चलेंगे। आप व्लॉग देखते रहो, स्वाद आ रहे एकदम भर के, इसमें पूरा स्वाद आ रहा है। स्वीट से साउंड आ रही है यार इसकी, ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है, डीबी किलर के बाद भी इनफ साउंड है, मतलब मज़ा आता है इसको सुनने में चलाने में भी। इसको भी चला के देखेंगे आगे भाई इसका कैसा रिस्पॉन्स है, भाई को देंगे अपनी हिमालयन और इससे भी पूछेंगे कि भाई क्या डिफरेंस लगा। बोल दो कंपैरिजन नहीं है बट फिर भी कितना डिफरेंस आ जाता है राइडिंग स्टाइल के अंदर, तो वो एक बार राजेश भाई से पूछेंगे। सफारी में भाई चौड़े चौड़े टायर लगवा रखे हैं, ये वाला सफारी का ना बढ़िया मॉडल लगता था यार वैसे। तो टोटल जो अभी तक अपनी ट्रिप हो गई भाई 294 किलोमीटर जब से घर से चले हैं, 294 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 295 मान लो टोल प्लाजा तक। यहाँ दो मिनट के लिए रुकेंगे यार, थोड़ा सा हाथ पैर खोल लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अपने पास आ गई है CBR 650R, अभी हम इसको चलाएंगे, राजेश भाई उसको चलाएगा और देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स आता भाई चलाने के बाद। तो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं आगे धीरे धीरे, ये लोग आ जाएंगे। अभी काफ़ी पोस्चर चेंज हो गया यार उस बाइक से इस बाइक में आने में। ओ भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में, गजब साउंडिंग मशीन है ये। आने के बाद ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ, मतलब इतना नहीं आ रहा क्योंकि एकदम से पोस्चर चेंज हो गया ना भाई, लेकिन चलाने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बाइक। तो यहाँ से चालू हो गए गाइस अपने पहाड़, तो फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, और वो व्यू देख रहे हैं हम CBR पे। मज़ा आ रहा भाई इसको चलाने में लिटरली, बस ये लगेज के लिए नहीं बनी भाई, इसको विदाउट लगेज चलाने का अलग ही मज़ा है। सस्पेंशन भाई बहुत ज़्यादा स्टिप है इसका, हिमालयन से इस पे आने के बाद ना बिल्कुल अलग ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है भाई। चलाने का जितना मज़ा आ रहा ना सस्पेंशन में उतना ही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ये क्या पत्थर पे बैठ गया हूँ, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है इसका। ऑल द दोनों का मैंने जैसे बताया है भाई कंपैरिजन नहीं है, हम इसको जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा फन आता है इसको चलाने में। वो स्वीट साउंडिंग मशीन है यार लिटरली, यार कसम से मजा आ रहा है भाई इन रोडों पे टर्न्स लेने में, तो और मजा आया अगर ये टैंक बैग ना हो ना, कसम से उसको लीन करने में तो जबरदस्त मजा आएगा यहाँ पे, और चलाने में तो यार नो डाउट मजा आ रहा है मुझे। पहाड़ों पे मैंने अभी तक नहीं चलाया था, लोकल्स में अपने काफी चलाई है ये बाइक मैंने, बट पहाड़ों में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं। अपना लेफ्ट में पड़ेगा शिमला, सीधा पड़ेगा भाई। भाई लोग ना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना जहाँ से भी जाती है बाइक मुड़ मुड़ के देखते हैं, मज़ा आता है भाई देखते हैं, रोड प्रेजेंस तो है बाइक की नो डाउट। गाइज अभी हम आ गए हैं एक मस्त सी जगह, बढ़िया सी जगह, और भाई रूफ टॉप पे बैठे हैं, रूफ टॉप पे बैठ के हम ले रहे हैं आनंद, और भाई अपना जो है काम भी कर लेगा साथ साथ, चाय पकोड़े का इंतजाम भी हो गया है, और पीछे वैली व्यू भी जबरदस्त है। हाँ भाई स्वाद आ रहे हैं, नहीं आ रहे पूरे स्वाद आ रहे हैं, चावला जी बता दो स्वाद, अभी स्वाद तो नहीं है, तो स्वाद कुछ नहीं आया अभी, अरे फिर भी अच्छा खाने के बाद आएगा स्वाद, अरे यार हमारा राइड का स्वाद आता है, बहुत बढ़िया आ रहे ना। हाँ भाई
राजेश भाई कैसा स्वाद आ रहा है? एक नंबर आ रहा ना, दो नंबर दिखा के करा, एक नंबर स्वाद आया, दो नंबर आ गया, दिक्कत हो जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको वैली व्यू यहाँ से क्या आ रहा है। और यहाँ देखो मस्त सी लोकेशन है भाई, बढ़िया सा कैफे बना हुआ रूफ टॉप। यहाँ नीचे दिखाऊं भाई, रेलवे ट्रैक बना हुआ पूरा, ये देखो रेलवे ट्रैक कितना सुंदर है। यहाँ से आई थिंक, पता नहीं मेरे को देखने में दूर से ना ऐसा लग रहा है जैसे टॉय ट्रेन चलती हो, बट आई डोंट नो ये टॉय ट्रेन का है या क्या है। पकौड़े आ गए हैं, चाय आ गई है, सैंडविच आ गया, लाइट खाना लेंगे। भाई साहब चालू भी हो गए हैं, चाला जी ने मैगी ले लिया है और भाई साहब काम में लगे हैं, मशगूल हो रहे हैं बिल्कुल, पकौड़ों पे कोई ध्यान ही नहीं है। भाई पकौड़े खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, मस्त बढ़िया, और उसके बाद जो है आपको आगे के नज़ारे दिखाएंगे। सो फाइनली गाइज अब यहाँ से निकलते हैं भाई, बैक टू अवर हिमालयन अगेन आफ्टर राइडिंग द CBR 650R। घर से निकले हुए अभी हमें हो गए 325 किलोमीटर जो है ट्रिप हमने कर लिया घर से निकल के, एंड देखते हैं भाई आज का प्लान। वैसे हमारा नारकंडा पहुँचने का था लेकिन भाई को थोड़ा सा काम आ गया ऑफिस का, तो बीच में बैठ के एक डेढ़ घंटा भाई ने अपना काम कर लिया। तो अब ग्रुप में आया तो यार उसके लिए रुकना भी पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि बंदे को छोड़ के निकल जाए। तो अब उसका काम वाम पूरा हो गया है और एक डेढ़ घंटा आराम करने के बाद अब हम निकले हैं भाई यहाँ से, और अब मारते थोड़ा सा खिंचा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। फ्यूल इंडिकेशन मेरी बाइक में आ गया है भाई, फ्यूल भरवाना पड़ेगा। तो ओडो में अब दिखा रहा है ये 86 किलोमीटर, तो रास्ते में जो भी फ्यूल पंप दिखाई देगा भरवा लेंगे भाई। करना भाई ट्रिप की बात करूं तो 328 किलोमीटर अपनी बाइक चली है भाई फुल टैंक में, तो 28.9 की एवरेज दिखा रहा है भाई ये मीटर, तो लगभग इतनी ही आ रही है, एक्चुअल में भी इतनी ही आ रही है भाई। भगा के हमने दो बंदों को तो पकड़ लिया है, एक मनीष जो है आगे चल रहा है काफ़ी, और यार लिटरली अभी जो है ना मतलब अभी तक बढ़िया चल रही थी बाइक, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं सडनली क्या इशू आ गया है फिर से भाई, इसमें फिर से स्टॉलिंग होने लग गई है अब, और ज़्यादा ही हो रही है यार, थर्ड गियर और फिफ्थ गियर में तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार सीरियसली। जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक आता है ना उसमें क्या हो रहा है कि मैं क्लच दबा रहा हूँ, थर्ड गियर में अगर बाइक है या फिफ्थ में है तो भाई मिसिंग मार रही है, कभी कभी सेकंड में भी मार रही है। वैसे प्लान अपना ये था कि नारकंडा पहुँच जाएँ, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई कोशिश यही रहेगी वैसे तो नारकंडा पहुँचने की, अगर आगे स्लिपरी नहीं हुआ रोड, ब्लैक आइज़ वगैरह का एक बार लोकल से पूछ लेंगे शिमला क्रॉस करने के बाद, क्योंकि बर्फ़ पड़ी थी तो ब्लैक वाइस ना हो, रात के टाइम थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। ये देखो कर रही है ना भाई, दूसरे में भी कर रही है भाई, दूसरा तीसरा और पांचवें गियर में भाई स्टॉलिंग का इशू आ रहा है बाइक में, ये तो चेक कराना पड़ेगा। आगे चल के भाई कुफरी के आसपास एक बढ़िया सी चाय पीते हैं क्योंकि पूरा ही दिन हो गया यार हमें चलते चलते, बोल तो हम काफ़ी पहले पहुंच जाते हैं लेकिन भाई को काम पड़ गया तो उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा जैसे मैंने बताया था आपको, अदरवाइज़ तो इस टाइम तक आई गेस हम पहुंच जाते नारकंडा तक। भाई बढ़िया सी जगह देख के ना वहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यू आगे करना है या यहीं कहीं रहना है या मशोबरा जाना है या कुफरी जाना है, तो फाइनल जो है कॉल वहीं पे लेंगे बैठ के एक बढ़िया सी किसी टी स्टॉल पे। मोमेंट के लिए भाई से पूछते हैं कि चाय वाय पी के फिर आगे निकलेंगे, भैया चाय होगी ना भाई। अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम शिमला, हमने क्रॉस कर लिया है कुफरी के आसपास हम पहुँचने वाले हैं, और ये हमें टी स्टॉल दिख गए थे तो यहाँ पे हमने अपनी बाइकें पार्क कर दी है।
टेम्परेचर कम होने की वजह से अब क्या है कि थोड़े से हाथ सुन्न होने लगे, हाथों को कर लेते हैं गर्म, एक बढ़िया सी चाय पी लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये भाई साहब देखो कैसे कांप रहे हैं यार। ओहो इतनी ठंड, गजब यार, गजब भाई साहब। चला जा रहा आपसे? बोला भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ठंड है। कुफरी से आगे ब्लैक आइस है, नारकंडा ज्यादा। अच्छा भाई, चाय की चेयर्स कर ली है, चेयर्स कर ली है भाई। और ये देखो कुछ अच्छा लग रहा है, देखो बर्फ, ये देखो, अरे लाल लाल नाक होगी भाई की, लाल नाक होगी, -9 degree टेम्परेचर में आ गए भाई। अरे इनका तो फोन भी रेड हो गया। ओहो चावला जी, बता जी यहाँ पे है 3 degree है, ये देखो भाई 6:48 हो गए और 3 degree टेम्परेचर है। ज्यादा कांपना चाहिए, देखो देखो माइनस की जगह चांद आ रहा है। दिखाना एक बार, चांद आ रहा है ना माइनस की जगह, जो चांद आ रहा है माइनस के ऊपर, ये माइनस की जगह ना चांद आ रहा है। भाई 3 degree टेम्परेचर में 100 rupees की चाय पी है हमने, 100 rupees की, समझ रहे हो, 100 rupees की चाय पी के अब आ गई है भाई, पूरा गर्म हो गई है बॉडी पूरी। और अब जो है अपनी जो डेस्टिनेशन यहाँ से रह गई है करीब 8 kilometers, तो फटाफट पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई चाय वाय पी ली है, थोड़ा सा बॉडी को कर लिया है गर्म, अब यहाँ से चलते हैं। तो भाई अब पहुँचते हैं अपने होटल पे, पहुँचते हैं भाई, ठंड हो गई है ज़बरदस्त वाली। ये देखो भाई पूरे में ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस है, और बड़ा कॉन्शियसली चलाना पड़ेगा भाई, यहाँ से यहीं से पूरी ब्लैक आइस दिख रही है हमें। ये जितने भी हम्स बने हुए हैं ना, ये सारे ब्लैक आइस के हैं भाई, कितनी सारी ब्लैक आइस है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा फिसलन है इस पे, ओ ओ ओ ओ फिसल रही है भाई यहाँ तो। राम 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 राम, जय श्री राम। स्किड कर रही है भाई बाइक तो यहाँ पे, आगे तो और भी बहुत बुरा मिलने वाला है आई गेस। भाई गंदी वाली ब्लैक आइस थी, एक बार दो बार तो ना ऐसे फिसली है। हाँ और पैर रखने पे ये जूते भी फिसल रहे थे, है ना। आगे और बहुत ज्यादा है। अच्छा शो, चलो जी ये है आज की डेस्टिनेशन, यहीं पे रुकते हैं, स्नोफॉल होम स्टे। ओके उतारते हैं अपना सामान और चलते हैं भाई अंदर। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में, और भाई मतलब ज़बरदस्त हो रही थी ब्लैक आइस अभी ना, बाइक इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही थी, हमने सोचा कि यार आगे तो जाना बेकार है। ये जो भैया हैं उन्होंने बताया कि भाई आगे जाना अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप अगर जाना है तो आपको सुबह जाना चाहिए, अभी तो बहुत ज़्यादा बाइक स्लिप हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर रुक जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके का रूम है अपना, यहाँ बेड है ये, और इधर अपना वॉशरूम वगैरह है। ठीक है यार, मतलब हमें तो रात काटनी है तो उस हिसाब से ठीक है। हमने लिया वो रूम, दो रूम लिए हैं, मनीष ने ये वाला रूम लिया भाई, तो रूम ऑलमोस्ट तो दोनों के सिमिलर सी है। तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और हमने भाई इसमें दोनों का कंपैरिजन तो कराई है, उसके लिए आपको डेफिनेटली बाइक को के लिए अच्छा लगा होगा भाई, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन और जो है सपोर्ट आपका हमें चाहिए। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और टिल देन एंजॉय एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड राइड सेफ, राइड हार्ड। थैंक यू।